तो आपको यहाँ से थंबनेल पे ही समझ में आ गया होगा कि वीडियो क्यों बनाया जा रहा है। यहाँ पर आपके सामने में बड़े बड़े अक्षरों में साफ साफ लिखा हुआ है, आरक्षक भर्ती परीक्षा फर्जीवाड़े में आरोपितों को दो दो साल की सज़ा हो चुकी है। बिल्कुल साफ और बिल्कुल सही लिखा हुआ है इसमें। अगर से हम बात करें तो ये पुराना है, ठीक है, लेकिन सज़ा तो अभी मिली है ना, मतलब न्यूज़ लेटेस्ट अभी की है, ठीक है। अगर से हम बात करें तो मुरैना जिला न्यायालय ने आरक्षक भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े के 10 साल पुराने मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय ने सभी 10 आरोपितों को दो दो साल के सश्रम कारावास के अलावा ₹2,000 के जुर्माना के साथ सजा देने से दंडित किया है। दोषियों में पांच ऐसे लोग हैं जिन्होंने पुलिस भर्ती के लिए आवेदन किया था और पांच ऐसे लोग हैं जो आवेदन करने वालों की जगह पर परीक्षा व फिटनेस टेस्ट देते समय पकड़े गए। जिला न्यायालय की मीडिया सेल प्रभारी रश्मि अग्रवाल ने बताया है कि मामला 5 फरवरी 2012 का है, ठीक है, मामला 5 फरवरी 2012 का है, लेकिन इन्हें अभी सज़ा अभी मिली है, ठीक है। श्योपुर SP ऑफिस में पदस्थ SI प्रदीप श्रीवास्तव ने मुरैना कोतवाली में FIR दर्ज करवाई थी कि पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए उसकी ड्यूटी मुरैना में लगाई गई थी। दौड़ और टेस्ट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के फोटो मिलान कर फॉर्म चेक किए गए तो उसमें पता चला कि फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थी की जगह परीक्षा व दौड़ में कोई और शामिल हो रहा है। मुकेश अंकुश, दिलीप कुमार, पानसिंह, जितेंद्र देवन, कल्लू ने फर्जी अभ्यर्थी बन करके फिजिकल टेस्ट व परीक्षा दी थी। तो बस बात यही है कि आरक्षक भर्ती जो परीक्षा है इसमें फर्जीवाड़े तो किए गए हैं, आपको भी मालूम है, ठीक है, और ये हमको भी मालूम है, सभी को मालूम है। सज़ा तो मिलेगी, इतना हो सकता है यार, लेट हो सकता है, लतीफ़ हो सकता है, लेकिन होगा ज़रूर, ठीक है। अगर से वीडियो पसंद आया तो यार सब्सक्राइब कर देने का और लाइक करते हुए वीडियो को शेयर कीजिएगा।